के मुख्य राज्यों में से तमिलनाडु भी एक राज्य है। तमिलनाडु में बारिश के भरोसे ही खेती होती है। सभी तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसी ही एक जगह है टैंजोर, जहां साल में तीन फसल होने से तीन साल तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। लेकिन ये सब भूतकाल है। आज यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस साल नहर में पानी आएगा या नहीं, ये सोचकर यहाँ के किसान बहुत चिंतित हैं। यहाँ के लोग हर मेहमान को पेट भर खाना देते थे और मेहमान को खाते देखकर खुश होते थे, लेकिन आज अपना पेट भरने के लिए रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पानी नहीं आया तो उस वक्त पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। चुप रह बैठेंगे, चुप रह बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। चलो जाग उठो सब लोग, चलो जाग उठो सब लोग। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तमिलनाडु अलग राज्य है, अलग राज्य है, अलग राज्य है, अलग राज्य है, अलग राज्य है। चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। पानी चाहिए, 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 पानी चाहिए। चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। चलो जाग उठो सब लोग, चलो जाग उठो सब लोग। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। साहब, आप पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम समझते हैं। ऊपर से जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। वो क्या है साहब, आप आंदोलन बंद करिए, ये आपके लिए अच्छा है। नहीं तो क्या करोगे, जेल में बंद करोगे, सबको अंदर बंद कर दो, लेकिन हमारी मांगे जारी रहेगी। साहब, जब कलेक्टर और वीडियो बुलाए तो मुझे लगा कि कोई हल जरूर निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक न्याय हमें नहीं मिल जाता, हम आंदोलन जारी रखेंगे। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मंत्री जी कब चेन्नई जाएंगे? वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ रहना पसंद है। क्या आपने उस आदमी से बातें की? बहुत कोशिश की है सर, मगर वो आंदोलन बंद नहीं करेंगे। बातचीत करते वक्त वो उठकर चले गए सर। क्या काम करते हो आप लोग? आप लोगों को सरकार इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट क्यों देती है, मेरी तो समझ में नहीं आता। पीजिए, दुरे सिंगम, तुम तुरंत उस आदमी को यहाँ बुलाओ। ठीक है भैया। आइए साहब, नमस्ते। पढ़ना। आप 65 साल के हैं, इस उम्र में भी जनता और देश के लिए आप रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, आप सुखी रहिए सर। मैं तो सुखी हूँ, तुमको मुझसे बात करनी थी इसीलिए बुलाया ना, बोलो। कुछ नहीं सर, आप इस उम्र में भी तकलीफ उठा रहे हो, इसलिए मुझे भी तकलीफ हो रही है। बाईपास के बाजू में 10 एकड़ जमीन है और उसके बीच में एक घर है। आप जब भी वहां मोटर डालेंगे ना, तो पानी भरपूर मिलेगा आपको। अगर आप बाकी की जिंदगी उस घर में रहकर बिताएंगे ना, तो आप भी सुखी रहेंगे और मैं भी अपने घर में सुखी रहूंगा। इस उम्र में तुम हमको जमीन देके धोखा दे रहे हो, ये आंदोलन का तुम्हारे लिए मेरे लिए है। हजारों साल से गुलामी करते करते जो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, उसके लिए आंदोलन है। जब उनको रोटी मिल जाएगी तो आंदोलन बंद कर दूंगा, नहीं तो आखिरी सांस तक के आंदोलन जारी रहेगी। चलता है। मरने वाले को भला क्या हम रोक सकते हैं? अबे दुरई, तेरा राणा और ताना को बुलाओ। जी भाई। तुम लोगों को क्या चाहिए? है? तुम्हारे पास क्या है?
देश में जनता के हक के लिए लड़ने वालों का यही अंजाम होता है। ऐसे कई लोग आए हैं, लेकिन उन सबकी भी यही हालत हुई। फिर भी आंदोलन करने वालों की कभी भी कमी नहीं रही, और इसी में शामिल है राणा। बोलो। वो लड़का उस एरिया में कभी गाड़ी नहीं चलाया। टाना आ रहे हैं। अबे उठना, अरे बाहर नित्या को मार रहे हैं, उठना। अरे बाहर राणा तना के आदमी नित्या को मार रहे हैं, चलो उठो ना। जाबे सो गया तो तू कुंभकर्ण है, तेरे उठते उठते वो अपना काम कर देंगे। अरे यार मनीषा, कॉलेज जाने का वक्त हो गया। मैम मुझे भी कॉफी दो। ये लो। अभी तक नहीं उठी, कितने बार बोलना पड़ता है, कॉफी रखी हूं ठंडा हो जाएगा। ओम गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। सोगी और जाते वक्त पैर में पंख लगा के चीखोगी, थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। खाओ, तुम भी जल्दी खाओ। माँ पानी खाओ। बस माँ पानी दो ना।
अभी कॉलेज के लिए जा रही हूँ। डायल करना बंद नहीं करोगी? तुम फोन चालू रख के बंद नहीं कर सकते क्या? जब देखो फोन बिजी बिजी बिजी। तुम्हारा फोन भी रहता है हमेशा बिजी बिजी। उंगलियों को थोड़ा आराम दिया करो। तुम भी अपनी उंगलियों को आराम दो। ए, मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। मैं भी तुम्हें ही कॉल कर रही थी। ठीक है, तुम हो कहाँ? तुम किधर हो? मैं कॉलेज के एंट्रेंस में हूँ। मैं भी कॉलेज एंट्रेंस में ही हूँ। झूठ मत बोलो, तुम किधर हो? सुबह सुबह बात करनी थी। तुमको भी सुबह सुबह बात करनी थी? बात करने का दिल कर रहा था। मुझे भी तुमसे बात करने का मन कर रहा था। टाइम हो गया, तुम क्लास में जाओ। मालिक आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। घर में सब अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं मालिक। लो लो, राजा भाई के घर दे देना। ठीक है मालिक। ये लो, ये 1700 रुपए मुन्नू भाई को दे दो। वो कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये लो, ये 1000 रुपए रमेश को दे देना और बाकी के 500 सुरेश को दे देना। ठीक है मालिक। रेणु ताई है ना, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ झेल रही है, उसको 1000 रुपए दे देना। ये कालू को दे देना, बेचारा बच्चों को पालने में बहुत तकलीफ उठा रहा है। और ये लो, तुम रख लेना। नहीं मालिक, सारे पैसे सब लोगों को बांट दिए, फिर आपके पास क्या बचेगा? मुझे क्या चाहिए, मेरा बेटा है, जो भी चाहिए लाकर दे देता है। बेचारे वो बच्चे ही तकलीफ झेल रहे हैं, नहर में पानी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, वो बेचारे भूखे रहकर बच्चों को पाल रहे हैं। हमने क्या बुढ़ापे में पैसे मिलने के लिए लड़ाई लड़ी थी? देश आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हमें त्यागी बोलकर सरकार ये पैसे देती है। और इस पैसे से 4 लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं। ये लो, तुम रख लो। ठीक है मालिक। मालिक मैं चलता हूँ। हाँ भैया कैसे हैं? अच्छा हूँ भैया। आओ बेटे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादा, आप कैसे हैं? मुझे क्या होगा, मैं तो अच्छा हूँ। पिछले हफ्ते जो लाया था अभी भी है, फिर क्यों लाए? कोई बात नहीं दादा, खत्म हो गया तो कहाँ जाकर लेंगे, रख लीजिए ना। बेटा, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। ठीक है दादा, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है, पक्का होगा दादा। पकड़िया जस्ट मिस्ट, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू कहीं भी भाग नहीं छोड़ूंगा। ए रुक रुक, अभी पलटी मारता हूं मैं, देख। अभी पकड़ा मैं। हो, 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 हो,
समझा मैं कौन हूँ? आजा, आज मैं अपने भांजे को सूप पिलाऊंगा। क्या जी, बेटा अभी तक आया नहीं है? आ जाएगा। देखो बलवान आ गया। हाँ, आजा बेटा। कैसे हो पापा? अच्छा हूँ बेटा। आओ बेटा। ये क्या, तू इतना दुबला हो गया है? क्या माँ, हर हफ्ते यही बोलती हो तुम। आराम से घर से ही जा सकता है, सिर्फ 10 किलोमीटर है। बाइक से जाएगा तो सिर्फ 10 मिनट लगेगा। ए, चुप बैठो तुम, वहीं पढ़ने दो, तभी अच्छे और बुरे की जानकारी होगी। गांव में आकर क्या करेगा? क्यों, मुर्गा तो पकड़ सकता है ना। इसके लिए तो तुम हो ना। सिर्फ एक झूठ बोलकर देश पर और लड़की पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मुर्गा नहीं पकड़ सकते। मैंने कितनी पलटी मारी सिर्फ मुझे ही मालूम है। वो सब तो ठीक है, जल्दी से तेल लेकर आओ, इसकी मालिश करनी है। तेल स्केप हो गया। अरे रुक बेटा बलवान, बेटा रुको ना बेटा बलवान। ए बेटा, अरे रुक ना। अरे सुन तो जरा। रुक जाइए। देखो पकड़ो, पकड़ो। अरे रुक रुक, अबे रुक ना उसको, पकड़ो। कहाँ जा रही है? अरे देख बेटा, रुक जा बेटा, देख बेटा, जाने मत दो। रुक रुक रुक, अरे पकड़ो, अबे पकड़ना इसको। सीधी तो नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। ए रुक, उसको छोड़ना, मुझे देखना, मुझे देख, देख मैं हर हफ्ते मालिश करता हूँ, देख 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 बेटा, रुक जा बेटा, मान जा बेटा, बेटा बेटा, अरे पकड़ लिया बेटा, अब तू आ गया, तू मेरे चक्कर में। अरे चुप, जाके पकड़ना साला उसको। भांजे भांजे, अरे रुक रुक, भांजे रुक, भाग का रे, भांजे को पकड़ लिया। दीदी जल्दी आ, तेल दो, भांजे को पकड़ लिया। हाँ, खूब तेल डालकर मालिश करो। जीजा जी, तेल लगाते ही भांजे की चमड़ी मस्त मुलायम हो गई है। वैसे ही हो जाएगा, अच्छे से मालिश करो। हाँ, सीने पे भी अच्छे से मालिश करो, तभी गर्मी आएगी। हाँ, तू क्या कर रहा है? जीजा जी, भांजे की छाती फूल गई है। कुछ नहीं रे, हॉस्टल में खाना खाता है ना, इसलिए सीना फूल गया होगा। तो मालिश करूं? अच्छे से मालिश करो, गर्मी कम हो जाएगी। गर्मी निकलने दो, मालिश करो। हेलो, व्हाट्स हैपनिंग हियर? अबे बलवान यहाँ खड़ा है। तो मैं इतनी देर किसकी मालिश कर रहा था? हे भगवान। हे, एक मिनट, क्या सीना फूला था? a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. दूसरा सम देखती हूँ। हाय, दीदी यहाँ आओ ना। दो, क्या हुआ? उसको देखो ना। चार, मैं भी जब यहाँ आती हूँ ना, क्या ऐसा ही करता है? आज मजा चखाती हूँ। हाय हाय, यहाँ आओ ना। मैं हाथ पकड़ो। मनीषा, खाना खाने आओ। आती हूँ माँ, चलो चलो। ए पकड़ो, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। तुम दोनों छत पे क्या कर रही थी? पापा, मैं पढ़ रही थी, दीदी कपड़े सुखाने आई थी। अरे बचाओ, ये कैसी आवाज थी? जमाना बदल गया है, आजकल
लड़के ही कह रहे हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कैसे आपको जवान बनाता हूँ वो देखो। कुछ भी हो मैं तो तेरे भरोसे ही आया हूँ। भाई कौन आया है पहचानते हो? नहीं पहचानता, बोलो क्या चाहिए? दुकान में जो भी है निकालो और दिखाओ, ये छोड़कर सवाल मत पूछो। बड़े आदमी के सामने होशियारी नहीं दिखाना चाहिए, समझे? ये क्या है? शर्ट पीस। क्यों इसमें पैंट नहीं सिला सकते? निकालो निकालो। वो क्या है? पैंट पीस। क्यों शर्ट नहीं सिला सकते? वो भी निकालो। वो ये 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 हाँ ये ये नीचे हाँ ये ऊपर निकालो ये हाँ सब निकाल दिए। सब में से दो दो मीटर काट के दो। मालिक ये दुकान ठीक नहीं है, कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा है। आपके साइज का एक गंजी ले लीजिए। हाँ मैं बाहर वेट करता हूँ। हेलो हेलो। अरे वो तो ऐसे ही है। मैं क्या करूँ? ये कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक गंजी दे दो। सारे कपड़े कटाने के बाद अब तुझे गंजी चाहिए? कटर डाउन कर, मार इसको। गंजी चाहिए, ले गंजी, ले। गंजी लेगा। तेरी क्या मजाल की तूने ऐसा किया? ए इडियट, किधर आकर क्या करता है? हाँ तुझे तो मैं ये ले रास्कल, दोबारा करोगे? लो ये लो। अरे कैसी लड़की हो तुम, एक लड़के को मार रही हो? चलो उठो तुम यहाँ से, जाओ। तुमको कुछ भी नहीं मालूम है, तुम जाओ। पहले तुम यहाँ से जाओ। उसने क्या किया तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम, लेकिन तुमने मारकर गलत किया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, चल जा। क्यों सबके सामने तुमने उसको डांटा? तुमको मालूम उसने क्या किया? क्या किया? तुमको मालूम उस लड़के ने क्या किया? तेरी आइटम की कमर को देख रहा था, इसलिए मनीषा ने उसको मारा। 3 साल से प्यार करते हो ना, आज दिखाएगी वो तुझे। जाओ माफी मांगो जाओ। क्या सोचने लगे? हाँ गुस्सा मत कर, उसने तो हक से बोला ना। ये यहाँ ऐसे ही करेगी, अगर वो आकर अकेले में आने को बोलेगा ना तो फिर इसकी हरकत देखना चाहिए। अरे बोलना बे। जा बे, तब तो उसके आगे पीछे घूम रहा था, अभी क्या तेरा ईगो तुझे रुक रहा है? जाओ। मौका मिला तो सब चढ़े जा रहे हो, ठीक है जाता हूं मैं। जाने का स्टाइल तो देखो, जाते समय तो सही जाएगा, वहां जाकर क्या हाल होगा हमें मालूम है। ए तेरा वो आ रहा है, हम चलते हैं। हाँ चलो हम कैंटीन चलते हैं। सॉरी डियर, मुझे नहीं मालूम था क्या हुआ। सॉरी, अगर मैं वहां होता ना तो मैं गेम बजा डालता उसका। hey, तुम अभी क्या कर रहे हो? नहीं मैं सोच रहा था कि उसने क्या किया होगा। छे, जाना। क्या रे आपकी कम है? हाँ सर। hey, गाड़ी रखो साहब, वो देखो मुर्गे आ रहे हैं। सारी गाड़ियां चलो, तुम भी चलो, लगाओ साइड में लाइसेंस और आरसी निकालो। चलो साइड में लगाओ गाड़ी, निकालो दो, निकालो। हाँ दो। ये लो पकड़ो, तुम भी। सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है, मगर साहब से मिलकर जाओ। ए इधर आ, गाड़ी की आरसी बुक है? हाँ चल देखा, लाइसेंस है? देना। सब ठीक है? सब ठीक तो है, लेकिन। तो क्या करे? लेकिन ओवर स्पीड सर। ओवर स्पीड? 400 रुपया निकालो। चल पैसा निकाल, कोर्ट में जाएगा तो 400 रुपये लगेंगे। 10 रुपये है मेरे पास। 10 रुपये है सिर्फ? चलो गाड़ी ले चलो पुलिस स्टेशन, चलो। तू ऐसे नहीं मानने वाला, चल गाड़ी निकाल चल। सर टाइम हो गया है, हम लोग चले? टाइम हो गया तो चले जाओगे? ये पीछे कौन है?
भगा कर लाया है क्या? क्या बे घूरता है? पुलिस का मार क्या है बताऊं क्या? छोड़, कॉलर छोड़। क्या डिपार्टमेंट ने ये नहीं सिखाया था? दादाजी नमस्ते। दादाजी आओ। तेरी पत्नी की तबीयत खराब थी ना, अभी कैसी है? तबीयत बहुत खराब है, तंजौर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हमें दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपसे मिलने आपके पास चला है। अच्छा ऐसा है। एक काम करो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये कुर्सी लेकर तुम बाजार में गोविंद राज के दुकान पर जाओ, वो कुछ पैसा देगा और पत्नी के लिए दवाई ले लो। नहीं दादाजी, इस कुर्सी में आप बैठते हैं। परवाह नहीं, बेंच तो है ना। दादाजी मैं कैसे? ये लो इसको पकड़ो, ये लेकर जाओ, ये मेरे दादाजी की कुर्सी है, सागवान लकड़ी से बनी है, गोविंद राज इसके लिए अच्छे पैसे देगा, लेकर जाओ। दादाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटा, कैसे हो? हर सप्ताह तुम मेले आते हो। वो छोड़ो दादा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बेटा। दादा यहाँ की कुर्सी कहाँ है? वो अपना राजू मेहता की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए कुर्सी दे दिया। क्या दादा आप भी, बैठने के लिए वो कुर्सी कितनी अच्छी थी, वो भी आपने किसी को दे दी। परवाह नहीं, तुम जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ और पिताजी इंतजार करते होंगे। दादा आप अकेले ऐसे क्यों रहते हो, आप हमारे साथ भी रह सकते हो ना? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो घर मैंने बनाया था, तेरे पिताजी रहते हैं, ये घर मेरे पिताजी ने बनाया इसलिए मैं रहता हूँ, इसी में मैं खुश हूँ। तेरी माँ को पहले तुम्हारी फिक्र है, फिर तेरे पिताजी की, और उसके बाद मेरी फिक्र है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब तुम घर जाओ बेटा। ठीक है दादा, मैं बाद में आता हूँ। हाँ। क्या डीएसपी, गाड़ी को ऐसे लगा दिया? आपसे मिलने घर गया था, पता चला आप मंदिर गए इसलिए आया हूँ। बोलिए क्या बात है। ड्यूटी पर दो कांस्टेबल और एसआई को आपके बेटे ने मारा था, इसी विषय में आपसे मिलने आया हूँ। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बेटा क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? नहीं पापा, प्रोजेक्ट के लिए मैं बाइक से जा रहा था, साथ में आई हुई लड़की को देखकर बोले क्या भगा के ला रहा है इसको, इसलिए पापा मैंने मारा। इसलिए पुलिस पर हाथ उठाएगा? गलत बोले इसलिए मारा। तुम मारेगा? आपके आदमी ने गलत बोला इसलिए मारा। आप यहाँ के बड़े लोग हैं इसलिए बाप और बेटे मिलकर हमें धमकी दे रहे हैं। तुमसे जो भी हो सकता है वो कर लेना। देख लूंगा।
गाड़ी निकालो। सर क्या संपत्ति, चूंकि वो बड़े आदमी मिलने गया था लेकिन बाप बेटे मिलकर हमें धमकी दे रहे हैं। वो लड़का माचिस की तीली जैसा लेकिन हमें घूरता है। कहीं वो फंस गया ना तो अंदर कर देना, पुलिस और पुलिस स्टेशन क्या होता उसको दिखा देंगे। यस सर, फिर से एक सीडी पार्सल आया है। क्या है साला, सीडी भेजना इसका काम ही हो गया है। डाल सीडी। क्या डीएसपी सर? नमस्कार, मैं रमेश। आपके आदमियों ने क्या किया जरा देखिए। चल पैसा निकाल, कोर्ट में जाएगा तो 400 रुपए लगेंगे। 10 रुपए है मेरे पास। 10 रुपए है सिर्फ? चलो गाड़ी ले चलो पुलिस स्टेशन। चलो तू ऐसे नहीं मानने वाला, चल गाड़ी निकाल। टाइम हो गया है, हम लोग चले। टाइम हो गया तो चले जाओगे? ये पीछे कौन है? पुलिस का मार क्या है बताऊं क्या? देखा सर, बिना ये मालूम हुए आप उस लड़के को धमकी देकर के आए। अभी आपने जो देखा, देखने वाले देखेंगे तो पैसे से खरीदी हुई आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ए बनकर, पहले इसको अंदर करके इसके हाथ पैर तोड़ डाल। जितने भी केस इसके ऊपर डाल के एनकाउंटर में मैं इसको टपका देता हूँ। नहीं होगा सर, इसके पास बहुत सारे एविडेंस है सर। अबे जो भी करना है छुप कर कर, बीच रोड में करेगा यही होगा। सिर्फ यही नहीं, थोड़े दिनों में सब हमें धमकी देंगे। सर आपके खिलाफ भी बहुत सारे एविडेंस है सर। मालूम है। ये तो पी लेना। अभी तक तेरी आदत गई नहीं ना। क्या बे? अरे अमूल दूध ब्रांच ऑफिस की जैसी लगते हो। नशे में मेरी टांग खींच रहा है। विश्वास नहीं करोगे ना। आ? अभी देख। ए, ए, ए। देखा दे। क्यों मारा बे? ए, दारू पीने के बाद भूत के मारने पे भी दर्द नहीं होता। तो मैं मारू तो भी दर्द नहीं हो। लिपस्टिक डाल लिया रे, इसलिए बोलता हूँ मुंह बंद रखना चाहिए। हैं? ए, अबे तूने उसको मारा और मुझे भी मारा, अगर तुम बहादुर हो और दम है तो इसको मार कर दिखाओ। मारना मेरे यार। ए मुझे दे। ले मेरे यार। ए देख, पांचवी कक्षा में सातवीं कक्षा की लड़की को लाइन मारना चाहिए, आठवीं के समय कट मारना चाहिए, दसवीं कक्षा में सिगरेट पीना चाहिए, बारहवीं पढ़ते समय ये देख दारू मारना चाहिए, वही साला मर्द है। ठीक है, तुम ये सब नहीं करोगे। ये देख, 3 साल से प्यार करते हो, अभी तक किस मारा क्या? बोल बे, अभी तक किस मारा क्या? अभी मुझे क्या करना है, बियर मारना है ना? क्या बे, एक बोतल बियर एक सांस में मार डाला। लगता है जब हम नहीं होते तो अकेले जाके मारता होगा। ये सब करने से ही क्या मर्द होता है? नहीं मेरे दोस्त, और बहुत कुछ है, बहुत सब तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करेगा? एक ही सांस में बियर पीता है, सिगरेट पी के नाक से धुआं निकालता है, क्यों लवर को जाके किस नहीं करेगा? ए क्या बात कर रहा है? हाँ क्या बात कर रहा है? अबे इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए और कितनी बहादुरी चाहिए ना।
एटलीस्ट हॉर्लिक्स पीने मांगता है ना। एक छोटा बच्चा है, इससे सब नहीं होने वाला बे। ये तुमसे नहीं होगा बे, चल जा। प्यार करते हो? अभी तक किस मारा क्या? बोल बे, अभी तक किस मारा क्या? छे, तुमने कौन से गटर का पानी पिया है? तुम बेकार की बातें मत करना, अपना मुंह बंद रखना, मैं सब देख लूंगा। ठीक है अध्यापक जी। ये कब का है? आज ही बना है। हाँ भैया। ये क्या है? बदबू मार रहा है। मैं बल्क में मिक्सचर लेने आया हूँ, लेकिन टेस्ट करने के बाद ही लूंगा। मिक्सचर दो। अध्यापक जी, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम ही ले लेते हैं। पूरा मुट्ठी भर लीजिए अच्छे से। हाँ, ले लीजिए और ले लीजिए, मुट्ठी भर लीजिए पूरा। खाइए खाइए। अध्यापक जी, मजा नहीं आ रहा है तो इस दुकान में टेस्ट नहीं है, दूसरी दुकान चलते हैं। हाँ हेलो। हाँ भैया, जरूर देंगे भैया, हम कर भी क्या सकते हैं। तो मैं चलूं? अरे बाप रे, मालिक आ रहे हैं, पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? सब लोग कहाँ जा रहे हो? हमें माफ कर दीजिए मालिक, नहर में भी पानी नहीं है और वर्षा भी नहीं हो रही, आप हमारी कितने दिन और मदद करेंगे? इसलिए हम गांव छोड़कर जा रहे हैं मालिक। आपको मालूम पड़ेगा तो आप हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए बिना बताए हम जा रहे हैं। तिरुपुर जाके कपड़ों की फैक्ट्री में नौकरी करके अपने बच्चों को पालेंगे। नहर में पानी आते ही हम आ जाएंगे। इतने दिन रुक गए, कुछ दिन और सही, बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हाँ, वापस जाइए, मैं देखता हूँ। आइए छोटे मालिक, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, ये पिताजी ने देने के लिए बोला है। ठीक है, ये रख लीजिए, मैं चलता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कॉलेज बाइक से जाऊंगा क्या? जरूर। चेन्नई से दो मंत्री आए हैं यहाँ पर, सारी बातें हो गई हैं, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, 18 तारीख को पानी आ जाएगा, समझे ना? ओ अरे, प्रेस वाले अखबार में छाप दो, जनता खुश हो जाएगी। क्या मंत्री जी, 18 तारीख को पानी आ जाएगा? अबे कैसे आएगा, देखो ये दारू आएगा। कहाँ से आना है बोलो? पांडुचेरी से आना है, तुरंत आ जाएगा। कर्नाटक से लाना है, तुरंत आ जाएगा। क्यों, विदेश से यहाँ दारू लाना है बोलो तो वो भी तुरंत आ जाएगा। सिर्फ हमारे गांव की नहर में ना, जैसे तुम सोचते हो वैसे पानी नहीं आएगा। कैसे कैसे सवाल पूछते तुम लोग। <दो? laughs>
तंजौर में 18 तारीख को पानी आ जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने बताया है। चलो अब 20 दिन तक तो कोई समस्या नहीं होगी, शांति से रह सकते हैं अब तो। जब देखो ये तो आंदोलन और मोर्चा निकालते रहते हैं, हैं? अब थोड़ा दिन तो हम ये समस्या से मुक्त रह सकते हैं, हैं? भैया आज सुबह कोरियर से ये एक सीडी आया है। ऐसा है, डालो देखते हैं। जी भैया। क्या मंत्री जी, नमस्ते, मैं रमेश बोल रहा हूँ। सुबह का अखबार पढ़कर आप खुश दिखते हैं, कल अखबार के लिए अच्छा इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आपने गलत बातें बोल दी। आप तो नशे में थे, वो तो भूल गए होंगे। जरा ये देखिए। क्या मंत्री जी, 18 तारीख को पानी आ जाएगा? अबे कैसे आएगा, देखो ये दारू आएगा। कहाँ से आना है बोलो? पांडुचेरी से आना है, तुरंत आ जाएगा। कर्नाटक से लाना है, तुरंत आ जाएगा। क्यों, विदेश से यहाँ दारू लाना है बोलो तो वो भी तुरंत आ जाएगा। सिर्फ हमारे गांव की नहर में ना, जैसे तुम सोचते हो वैसे पानी नहीं आएगा। कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग। आपको कहीं भी दारू मिल जाएगी, लेकिन आप पे जनता भरोसा करती है? पानी के बिना उनकी क्या हालत हो गई जरा देखिए। अभी आपने जो कुछ देखा, अगर देखने वाले देखेंगे तो आपका क्या होगा? क्या होगा बे? दुरई सिंघम। जी भैया। पहले इस लड़के को उठाकर अंदर करवाओ, जब देखो एक सीडी भेज देता है। नालायक बेवकूफ लड़का पता नहीं कहां से आ गया है। दादा, दादाजी, अरे दादाजी इधर आइए ना। क्या है बेटा? ये देखिए क्या है। क्या है? ये क्या है बेटा? ये तो अपने कुर्सी जैसी लगती है। हमारी कुर्सी है दादा, गोविंद राज की दुकान पर गया था मैं कुर्सी खरीदने के लिए, वहां देखा हमारी कुर्सी रखी थी, इसलिए मैंने खरीद ली। क्या बेटा, दादा को इतना प्यार करते हो? अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। देखिए ना माले, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो बोला था ना संभाल लूंगा, फिर इस तरह से इन्होंने जल्दबाजी क्यों की? मालिक, ये और क्या करते थे वो लोग भी? अपनी इज्जत को छोड़कर कितने दिन और आपसे मदद लेते? इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा सोचकर ये खुदकुशी कर लिए। अगर उसी दिन गांव छोड़कर चले जाते तो आज जिंदा रहते। ये तो पूरा खानदान चल बसा। भगवान, भैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कॉलेज बाइक से जाऊंगा क्या? जरूर। Thank you.
हर मेहमान को पेट भर खाते देखकर खुश होने वाले इस जगह में अनाज के मोहताज होकर हर दिन भूख के मारे जनता को भटकते देखकर अब मुझे जिंदा रहना पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे इस निर्णय से सरकार के लिए चेतावनी रहने दो। जय हिंद। क्या बात है बलवान, बहुत उदास दिख रहे हो। कुछ नहीं सर। क्या हुआ बलवान? मेरे सर में दर्द है सर, मैं चलता हूं। क्या हुआ, जल्दी आ गए? क्यों एग्जाम नहीं दिया? तुम तो अच्छे से पढ़ाई करते हो, क्या बात हुई? कुछ नहीं सर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है या कोई और बात है? तेरे दादा की मौत की खबर मिली मुझे। देखो, मौत को कौन रोक सकता है, ये तो कुदरत का कानून है। कैसा कानून है सर? मेरे दादा तो जहर खाकर मरे थे, उनकी तो उम्र हो गई थी सर। मेरे घर के सामने पूरे परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, ये कैसा कुदरत का कानून है सर? हाँ, 10 साल का लड़का, आपके जैसे मैं भी कॉलेज जाऊंगा ऐसा बोला था उसने। ये शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। एक मजबूर माँ जब अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाई तो उसने जहर दे दिया अपने बच्चों को, और उन बच्चों को पता भी नहीं था कि ये जहर है और वो लोग पी गए। ये कैसा कुदरत का कानून है सर? तुम्हारे गुस्से और दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन सब का कारण कुदरत है, भगवान है या इंसान है मुझे समझ में नहीं आता। भगवान इसको रोक सकते थे ना, वक्त पर बारिश होनी चाहिए थी, मनुष्य के पास जो कुछ भी था वो बांट सकता था। देखा जाए तो ये इंसानियत मर चुकी है। अगर पानी होता तो शायद ये सब नहीं होता। ये दो राज्यों की समस्या सदियों से चली आ रही है। एक ऐतिहासिक राजा ने मैसूर जाकर इस समस्या का हल निकाला था। ब्रिटिश के जमाने में जब ये समस्या हुई थी और पानी की मांग किए थे तो अंग्रेजों ने लंदन फोन किया था, और लंदन से कर्नाटका फोन किया था, तब जाके कर्नाटका ने पानी छोड़ा था। राजा जी जब गवर्नर जनरल थे तो पानी के बिना तमिलनाडु की जनता की पीड़ा देखकर कर्नाटका को संदेशा भेजा था कि अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो भारतीय सेना वहां भेजी जाएगी, तब उन्होंने तुरंत पानी छोड़ा। ऐसे ही ये समस्या बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि वो लोग ऊंचे स्थल पर हैं, तमिलनाडु ढलान में है,
अगर वर्षा होती है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो वो पानी 2 साल के लिए रोक देते हैं और समस्या शुरू हो जाती है। भूख और प्यास के लिए कितनी ही लड़ाइयां हुई, कितने आंदोलन हुए, मध्य सरकार के बोलने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं। बलवान, अगर मध्य सरकार की पार्टी कर्नाटक में है तो समझो तमिलनाडु को पानी नहीं मिलेगा। अगर दबाव में आकर वो लोग पानी छोड़ते भी हैं तो अगली बार वो सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर विपक्ष की पार्टी सरकार में है समझो तो दबाव डालकर पानी छोड़ देंगे। वैसे ही अगर तमिलनाडु में मध्य सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी है समझो तो पानी आना मुश्किल है, लेकिन अगर विपक्ष पार्टी है समझो तो भूख हड़ताल और आंदोलन करके पानी ला भी देंगे। किसी को भी जनता की फिक्र नहीं है। हमारी जनता भी पानी नहीं है या वर्षा नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे समझो। अगर बारिश हो जाती है तो सब कुछ भूलकर फावड़ा लेकर खेती करते हैं। अगर इस समस्या के लिए स्थायी समाधान चाहिए तो वो मध्य सरकार में बैठे हुए लोग ही कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? तुम ये सब अपने मन में रखकर परेशान मत हो और जाकर के एग्जाम दो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का प्रश्न है। ऐसे ही सब लोग अपनी जिंदगी अपनी सुविधा सोचते हैं, इसलिए वहां कितने लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने बोला था ना इंसानियत, वही मर गई है सर। अगर इसका स्थायी समाधान चाहिए तो हमारी मध्य सरकार और बड़े आदमी मिलकर ही कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां मरने वालों को ही बचाना है। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम क्या कर सकते हो? मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। क्या बे, एग्जाम के लिए भी नहीं आए और यहाँ लेटे हो? चलो उठो, चलो उठ, उठना बे। अच्छा, कॉलेज प्रिंसिपल से पानी की समस्या के बारे में बात की थी ना? ये देख, एग्जाम के बाद सारी बातें करते हैं। चल अभी कॉलेज चल। अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अबे क्या बोल रहा है? ए, अबे फिल्म वाले ऐसा ही कुछ बोलकर फंस जाते हैं, तुम भी ऐसा कुछ बोलकर मत फंसो। कुछ भी होने दो, हमारे जैसे पंप सेट वालों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां तुझे मालूम है क्या हो रहा है? बेचारे किसान और मजदूर लोग नहर में पानी ना आने की वजह से रोज रोज मर रहे हैं। अबे तू सीरियसली बोल रहा है? ठीक है, तुम जो भी करोगे सही करोगे, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड वैसा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो सही ढंग से कॉलेज भी नहीं आ सकता हूँ, मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, परिवार को मुझे ही संभालना है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। तुम जीतोगे मेरे दोस्त, जरूर जीतोगे। मंत्री विलायुदम को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये ऊपर से दबाव आ रहा है। भैया मंत्री जी का फोन है। नमस्ते भैया। हे, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक सिर्फ किसान आंदोलन कर रहे थे, अभी कॉलेज के छात्र भी इसमें शामिल हो गए हैं, हमें घर भेज देंगे देखना। छोटे बच्चे हैं मंत्री जी, मैं इनसे निपट लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो बात नहीं है, तंजौर में हो रहा था, अभी पूरे तमिलनाडु में हो रहा है, संभाल कर करना नहीं तो जनता हमें छोड़ देगी। सारे फसल सूख गई हैं। रामनाथपुरम में जब अकाल पड़ती थी तो वो लोग पेट भरने के लिए हमारे पास आते थे, अभी हम कहां जाएं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उदास मत हो तुम लोग, जिसने पेड़ लगाया है वो पानी जरूर डालेगा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, नमस्ते, नमस्ते मालिक, चलते हैं। ठीक है।
नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। मंत्री जी कैसे हैं आप? वोट मांगते समय मिले थे और अभी रास्ते याद आ रहे हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ? तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ। मुझसे? गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, इससे आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, तेरे बेटे को है। आंदोलन और मोर्चा करवा रहा है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। क्या उसके लिए अच्छा नहीं है? 3 बार खेती होने वाले गांव में आज एक बार भी खेती नहीं हुई है। ये सब देखकर आप चुप बैठे हैं, मगर मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को इसकी चिंता है। तुम जैसा समझते हो वैसे ये खुशी की बात नहीं है, इसके पीछे हमारी भारत की सरकार भी है। चूंकि तुम हमारी जाति के हो इसलिए मैं आया। 110 करोड़ आबादी से कुछ लोगों की मौत हो जाने से ना सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तेरा बेटा उनमें ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे ही घर आकर बोलता है मेरे बेटे की जान को खतरा है, और कुछ देर रुका यहाँ तो तुझे खतरा है। चल जाए यहाँ से। आज अगर अपना बेटा नहीं आता तो क्या होता? पापा, अपना ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपको जान से मारे? और कौन हो सकता है, मंत्री ही है ना। मुझे मारकर तुम्हें डराना चाहता है। पापा को मारने के लिए गुंडे भेजता है, उनको मारने के लिए तुझे आदमी की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूं तो तुझे अभी की अभी खलास कर सकता हूं। ए! क्या नेताजी, एक छोटा बच्चा आपके गले में तलवार रखता है, वहीं काट के रख देना था। बोलिए नेताजी, उसके घुटने तोड़ देता हूँ, जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। अरे उसको कुछ मत करो, अगर उसके ऊपर हाथ डाला ना तो समझो वो बड़ा आदमी हो जाएगा।
ये आंदोलन क्यों हो रहा है ऐसा पूछ पूछ कर ऊपर वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। डीएसपी तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम है। राणा ताना बोलो भैया। तुम दोनों डीएसपी जो बोलता है वैसा ही करो। दुरे सिंघम जी भाई उनको जो पैसे चाहिए दे दो। ठीक है भाई मुझे यही चाहिए। ये आंदोलन नहीं होना चाहिए बस इतना ही। आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन। कुछ भी बोलो अपना राणा ताणा और डीएसपी मिलकर रात भर सबका अच्छे से बैंड बजा दिए। हाँ भैया ये सब डीएसपी की निगरानी में हुआ है। हर महीना 5 घंटा जमीन खरीदता है ना फिर क्यों नहीं करेगा। दुरई सिंघम एक दिन शांति से बैठ जाऊं सोचा था लेकिन देखो यहाँ भी आ गए। वो कुछ नहीं नेता जी सबको पुलिस पकड़ के ले गई ना उनको छुड़ाने के लिए भीख मांगने आए हैं। क्या हुआ सुबह सुबह एक साथ मिलकर मुझे ढूंढने आए हो क्या आंदोलन नहीं करोगे। क्या मंत्री जी सब कुछ करवाने के बाद बेखबर जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने क्या किया। तुमने कुछ नहीं किया। अबे इज्जत से बात नहीं कर सकता। ऐसा ही बात करूंगा। पुलिस और गुंडों को भेजकर निर्दोष लोगों को लॉकअप में डालकर यहाँ पांव पे पांव डालकर कॉफी पी रहा है ये आंदोलन होगा। ये राजनेताओं का जनता को बेवकूफ बनाने का झूठा आंदोलन नहीं है। ये जनता को हक दिलाने का आंदोलन है। जमीन जायदाद के लिए नहीं पेट के लिए। अगर ये आंदोलन होगा तो तेरे नेता की कुर्सी जाएगी उसके बाद तेरी कुर्सी। इसलिए वोट देने वाली जनता को तुम गुंडों से पिटवाओगे। तुमने क्या सोचा ये सब देख कर मैं चुप बैठा रहूंगा। क्या कर लेगा बे है? कुर्सी चली जाएगी पदवी चली जाएगी ऐसा धमकी दे रहा है मुझे क्या है? ए, तुझे क्या नहर में पानी चाहिए है? नहीं आएगा नहीं आएगा। तुम क्या कर लोगे। तुम क्या उसे तेरे बाप का पंप सेट समझाए क्या स्विच डालता ही पानी आने के लिए। अबे ये नहर का पानी है। पहले मुझे नेताजी से बात करनी पड़ेगी फिर नेताजी दिल्ली बात करेंगे दिल्ली कर्नाटक की सरकार से बात करेगी। देखो और अब जो बोलता हूँ सुनो तब भी पानी आएगा इसका गारंटी नहीं है। अबे तुम क्या कर लेगा। हाँ हाँ बोलिए नेताजी। साला क्या कर रहा है अपने घर का टीवी ऑन कर। तुरंत सिगम टीवी ऑन करो। ऑन करता हूँ भाई। अबे ये क्या हमें टीवी में दिखा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना वो पूरा तमिलनाडु देख रहा था एक ही वार में सबको दफना दिया। नेताजी नेताजी ये कौन साला हमारा फोटो निकाल रहा है यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये। ओ वो देख वो पकड़ो साले को।
इन दोनों को यही काट के फेंक डालो। पकड़ो ताले को। कैमरा छीन लो उसका, छीन लो कैमरा। कौन से वो? एबीटीवी वाले कर रहे थे। बे क्या हुआ बे? अरे भाई वो लोग बहुत तेज चला रहे हैं गाड़ी, बहुत तेज भाग रहे हैं। hey, तुम किसी भी काम के नहीं हो, बस सिर्फ साला खाने के लायक हो। रख साला फोन को। राणा ताना, अपना देवी के मंदिर के रोड पर दो लड़के बहुत तेज गाड़ी में जा रहे हैं, उनको वहीं पर खत्म कर डालो। कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा, खत्म कर दो उनको। टपका डाल साले को।
इसको क्या हुआ जी? क्या हुआ इसे? इसको कुछ नहीं हुआ, तुम डरती क्यों हो? डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, He'll be all right. शाम तक घर ले जा सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर. क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, डॉक्टर इंजेक्शन देकर गए हैं, शाम को उसे घर ले जा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला है. तुम कैसी हो? अच्छी हूँ. पी ले बेटा. नमस्ते बेटा. नमस्ते बेटा. नमस्कार. नमस्ते बेटा. बेटा चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हूँ मैं. अगर आप अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रह सकते हैं. हम सब डर गए थे. तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओगे उतना ही जल्दी हम लोगों का काम आसान होगा. तुम अपना ध्यान रखना बेटा. हाँ ठीक है, हम चलते हैं. आओ अमला, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ा, इसलिए छुट्टी लेकर आई हूँ. मेरे साथ कोयम्बतूर चलो ना, वहाँ कुछ काम ढूंढ लो. तुम क्या करते हो, क्या होने वाला है, ऐसा सोच के मैं जीती हूँ. अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तो आ जाओ. नहीं आऊंगा. मैं पैदा होते वक्त, पढ़ते वक्त और बड़ा होते वक्त सबके जैसा ही था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं. मेरे रास्ते पर तुम नहीं चल सकती और तुम्हारे रास्ते पर मैं नहीं चल सकता. मुझे माफ कर दो अमला. तुमने तो तय कर लिया, मैं डिसीजन नहीं ले सकती हूं. मैं चलती हूं, अपना ख्याल रखना. क्या राना ताना, मेरे आदमी तो कुछ कर नहीं सके, इसलिए मैंने ये काम तुम दोनों को सौंपा था, लेकिन तुम दोनों भी नाकामयाब रहे. ये सब क्या है? नहीं भैया, जस्ट मिस हो गया. यही अपने एरिया में किसी हॉस्पिटल में होंगे, वहीं उन्हें टपका डालेंगे. जाओ और टपकाने के बाद मुझे मिलना. हाँ ठीक है भैया. हाँ जाओ, चलते भैया. चलो चल. मैं छोटा था तभी मेरे मां बाप मर गए. मेरे मामा ही ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन अब वो भी नहीं रहे, गुजर गए वो. तुम जहां पढ़ते हो उसी कॉलेज में मैंने भी पढ़ाई की. तुमसे 4-5 साल सीनियर हूं, मेरा कोई नहीं है. ये गांव, ये लोग और ये मिट्टी, फिर वो लड़की. कॉलेज में मुझे प्यार हो गया और अब वो भी नहीं है. वो ही कभी कभी मुझे देखने आती है, लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं है. अच्छे माँ बाप, जमीन जायदाद, अच्छा बैकग्राउंड, तुम्हारे जैसे लोग ही ऐसे विषयों के लिए लड़ सकते हैं
लेकिन मुझे छुपकर ही लड़ना पड़ता है। ये बाहर से कैसी आवाज आ रही है? बाहर जाकर देखो ना। खेत के बड़े चूहे पकड़ रहे हैं। चूहा इनसे भी होशियार है। उसकी जरूरत का अनाज वो जमा करके अपने बिल में छुपा लेता है। हमारे आदमी उससे भी होशियार है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। चूहा और छुपाया हुआ अनाज ही आज उनका खाना है। फटी हुई जमीन, सूखा हुआ पेड़, कांटे का पेड़ और सूखे हुए जंगल, ये यहां का नजारा है। देखो पीने का पानी ला रहे हैं। नहर में पानी होता तो पानी की तकलीफ ही नहीं होती। अगर नहर में पानी नहीं है तो ये ऐसा गंदा पानी ले जाते हैं। पीने का पानी के लिए 12 मील तक इन्हें चलना पड़ता है। नल में पानी नहीं आ रहा है। मम्मी वॉश बेसिन में पानी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो? वहाँ नल में पानी नहीं आ रहा है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आ गई? बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है, जा। अबे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? देखता हूँ भैया मैं। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा? अरे यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है? किचन में भी पानी नहीं आ रहा है जी। क्या किचन में भी पानी नहीं आ रहा? अरे आज पानी नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे आज पानी नहीं आ रहा है। नल खराब हो गया। पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे आज पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या है बे? क्या सर? बोल बे। फोन उठाते ही गुस्से में बोल रहे हो, क्या बात है सर? पानी नहीं आ रहा है? मैंने बंद किया है। सिर्फ तेरे ही घर में नहीं, तेरे पिट्टू के घर में भी। ए, पूरा टेंजोर की लाइन काट दी है मैंने। उसको ठीक करने के लिए पूरे 12 घंटे लगेंगे। एक दिन बिना पानी के रहोगे ना, तब तुम्हें पानी के बिना रहने की तकलीफ समझ में आएगी। नालायक साला कमीना, मेरा पूरा दिमाग खा गया। क्या कैसे हो? अच्छा हूँ नेताजी। क्या अच्छा है? घर में पानी नहीं आ रहा है, पूरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे खासदार मरी सेल्वम ने मुझे बताया, वो लड़के तेरे आंख में उंगली डाल के तुझे नचा रहे हैं ना। ये देख वलेद्यम, बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि मैं धोती पहनकर जाऊं, एक आदमी मेरे आगे खड़ा नहीं होगा। अभी क्या है ना, दो लड़के खड़े हो गए। तुम अभी क्या करने वाले हो? अगर ऐसे ही छोड़ोगे ना तो दोबारा सरकार नहीं बना सकते। गांव में बैठकर खेती करनी पड़ेगी। नेताजी मुझे आप सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब ठीक कर देता हूँ यहाँ पर। तुम ठीक करो, नहीं तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। अबे दुराई संगम, वो राणा ताना को बुलाओ। हाँ,
आओ अमला। हमेशा की तरह इस साल भी मेरे जन्मदिन पर ये किताब को मैं समझकर मना लूं। इसको देखते ही मेरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। वही लिख रहे हो ना? तुम नहीं आओगे मुझे मालूम था, इसलिए मैं ही आ गई। सैटरडे संडे छुट्टी है। कैलेंडर को देखते समय अक्टूबर 13 तारीख याद आ गई, इसीलिए एक दिन पहले ही छुट्टी लेकर आ गई। कल आने वाला जन्मदिन के लिए आज ही विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे। ये क्या, सच्चाई की परीक्षा? तुम सच्चाई की परीक्षा दे रहे हो, वैसे ही मेरी जिंदगी भी सच्चाई की परीक्षा है, इसलिए तोहफा। गांधी जी ने इस किताब में अपने अनुभवों के बारे में बताया है, क्या तुम ये किताब मुझे देकर मेरे अनुभवों के बारे में बताना चाहती हो? रुको, कॉफी बनाता हूँ। क्या देख रही हो? ये 100 दिन का कामगार योजना, सरकार की तरफ से साल में 100 दिन का काम देते हैं। एक दिन का 80 रुपए मजदूरी देते हैं। ये बेचारे पानी आने के भरोसे में काम कर रहे हैं, लेकिन पानी आता ही नहीं। ये सब कंस्ट्रक्शन का काम अभी किया है। इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर तक पानी होता था। ये जो सीढ़ियाँ है ना, दिखती नहीं थी। बचपन में मैंने मामा से सुना था, लेकिन मैंने यहाँ कभी पानी देखा ही नहीं। यही रमेश रहता है? हाँ, यही रहता है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आइए आइए आइए। हेलो, बैठिए। आप कैसे हैं? हाँ, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। हम लोगों को मालूम पड़ा कि आज आपका जन्मदिन है और अमला भी आई हुई है, इसलिए मैं भी आ गई। अमला, कॉफी बनाओ ना। वो सब रहने दो, पहले ये लीजिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मेरा क्या जन्मदिन, सब एक दिन पैदा होते हैं, शांति से रहते हैं। कुछ लोग जीने के लिए ही जीते हैं और दूसरे लोग मरने के लिए जीते हैं, और मैं उन दूसरों में से मैं हूँ। वैसे नहीं है, हम जिंदगी कैसे भी जी सकते हैं, पर मरने की बात भी जीना है, वही जिंदगी है। वो सब बातें क्यों कर रही हो? तुम शर्ट पहनो, देखते हैं। शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, हीरो लग रहे हो, हीरो। तुम भी तो हीरोइन लगती हो।
देवेश। रमेश 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 आके खोलो, रमेश आके खोलो, रमेश रमेश आके खोलो, रमेश आके खोलो, रमेश रमेश आके खोलो, आके खोलो रमेश। उठो रमेश, रमेश रमेश आके खोलो, रमेश के लिए ही जीते हैं और दूसरे लोग मरने के लिए जीते हैं और मैं उन दूसरों में से मैं हूं। मंत्री ने अपने आदमी भेज के उसे मार डाला। अच्छे आदमी को कैसे जिंदा रहने देंगे? सुनिए जी, हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, जाकर ढूंढिए ना, हमारे आदमी को भेजकर ढूंढिए। क्यों ढूंढे? मेरा बेटा भाग करके नहीं छुपेगा, सामना करेगा, वो लड़ाई करके जीतेगा, इस लड़ाई में वो जीतेगा। चिंता मत करो। ऐसा नहीं जी, उस मंत्री के बारे में सोचने से डर लगता है, गुंडे भेजकर आपको भी वो मारना चाहता था। सिंगम, फोन लगा के पूछो क्या है। आओ आओ, क्या घर तक चले आए? तुम्हें चुनाव में वोट देके जिताने वाली जनता के लिए पीने का पानी नहीं है। सवाल पूछने वाले को पदवी खोने के डर से तुमने उसे मार डाला। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? ए, जानकर बोल रहा हूँ। रमेश को मारकर उसको आतंकवादी और नक्सलाइट कहकर अखबार में छापने से वो सच्चाई हो जाती क्या? रमेश की मौत से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। किसमें संबंध है और किसमें संबंध नहीं है जानता हूँ मैं। हो सकता है रमेश की मौत के बारे में कोई ना पूछे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो पहले मैं जान दे दूंगा। ये देख, मेरे पीछे जो खड़े हैं ये सब लोग मरेंगे, मगर उससे पहले तुम्हारा क्या हाल होगा जरा सोच कर देखना। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ये लो पियो। क्यों? नहीं नहीं अध्यापक जी, अध्यापक आगे बैठे हैं इसलिए, परवाह नहीं, पियो। नहीं चाहिए अध्यापक जी। पियो मेरा बच्चा, बिना दारू के दुकान गए कोई भी छात्र पास हुआ हो ऐसा इतिहास गवाह है। पियो 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 पियो। झटके से पीने से ही किक लगता है, सुनो अध्यापक के जैसे पियो पियो। बहुत पानी मिला दिया यार। आपको कम पड़ गया अध्यापक जी? नहीं, मेरा कोटा करेक्ट है। आपको कम पड़ गया, कम पड़ गया,
बोलने से सुनो। कैसे बोल रहे हो? मैं सुन लूं तो मुझे नशा हो जाता है, लेकिन मैं तो सही हूँ, तो आपको कम पड़ा ना। आप कौन है? आप कट पेरेंट है। कट पेरेंट का मतलब? मतलब माँ बाप भाड़ में गए, आपको तो कम पड़ गया ना। मेरे पास कितने छात्र पढ़े हैं, लेकिन तुम ही एक सच्चे छात्र हो। पुट पुट थोड़ा थोड़ा ये अभी से नशा चढ़ गया। बस 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 अध्यापक जी, हाथों में कंगन और गले में हार पहनने की बजाय गले में सिंपल चेन पहनकर बैठे हैं, कैसे अध्यापक जी? आपका बड़प्पन दिखाना था ना। कोई भी आदमी आपके बाजू में बैठ गया उसको भगाना था ना। आप सदियों से पी रहे हैं, वो आपके बाजू में बैठ के सादा सिंपल सी बियर पी रहा है, उसे नीचे दिखाना चाहिए। ये वाइन शॉप में नहीं लिखा हुआ कानून है। मेरे प्रिय छात्र, तुझे नशा चढ़ गया है, जल्दी पियो, चलते हैं। क्या अध्यापक जी, क्या हुआ? डर गया क्या? नहीं। तू क्या रे? आप चुप बैठिए अध्यापक जी, सफेद शर्ट पहनने से कोई बड़ा भाई हो गया क्या? जाबे जा, अगर अध्यापक जी घूर के देखेंगे तो जल के राख हो जाएगा। ए, जल्दी पी, चलते हैं। देखा अध्यापक जी कैसा डर के चला गया। तुम खत्म करके आओ, मैं चलता हूँ। डर गए क्या? हेलो, हाँ बोलो भैया, अभी तो चालू किया है। अच्छा आदमी है। ओके, अध्यापक जी हम चले। ऐसा बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, साला। गाड़ी निकालो, टाइम हो गया। क्या हो गया, तुरंत आने को बोल रहा है। छे, एक आदमी फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। भैया वही है। दे साला। बोल बे। घबराओ मत सर, आपकी पत्नी और आपकी बेटी सुरक्षित हैं। क्यों साले, किसके साथ खेल रहे हो? तुझे मालूम है ऐसा कर दूंगा तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, समझा? इसलिए तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो,
क्यों बे, मजाक कर रहा है क्या? ए, अगर तू मेरे हाथ में दाग दाग आ गया ना तो काट डालूंगा मैं तेरे को। वो तो तुमने काट कर फेंक दिया ना। रमेश ने क्या गलती की थी? जिंदा आदमी को काट कर तुम आराम से रह सकते हो। देख, तुझे एक हफ्ते का टाइम देता हूं मैं, तब तक नहर में पानी आ जाना चाहिए, नहीं तो जैसा तूने रमेश को काट कर फेंका था वैसा ही मैं तेरी पत्नी और तेरी बेटी को काट कर फेंक दूंगा। मम्मी, नहर में पानी नहीं आया तो काट के फेंक देगा बोलता है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बलवान मंत्री की पत्नी और बेटी का अपहरण करके मंत्री को ही चुनौती दी। क्या भैया छत पर बैठकर पी रहे हो? बैठा दिया रे, बैठा दिया। बोलिए नेताजी। वहाँ क्या चल रहा है? दो दिन का टाइम मांगा था ना, क्या हुआ? तुम अपनी बीवी और बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए, क्या कर सकते हो तुम? बेहतर होगा तुमको पार्टी और पदवी से हटा देते हैं। क्या नेताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन किसको हटाएगा? मेरे साथ 90 एमएलए हैं नेताजी। मैं चाहूँ ना तो आपकी पदवी चली जाएगी। ऐसी हालत में आप मुझे हटाएंगे? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये जनता ऐसी कौन सी मांग कर रही है? पानी ही तो मांग रही है ना। ऊपर बात करके कुछ करने के लिए तुम्हारे पास दम नहीं है। तेरी पदवी को बचाने के लिए तू मेरी बैंड बजा रहा है? गुस्सा मत हो विलायदम, मैं बाद में बात करता हूँ। डाल बे। तेरे बेटे ने जो किया है वो मामूली काम नहीं किया है। अगर मिनिस्टर की पत्नी और बेटी को कुछ हो गया तो तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। मुझे नहीं मालूम। लोग उसी रात घूमते थे ना? मालूम नहीं, तू बता। बता। अरे मुझे नहीं मालूम। अरे बता। अरे मुझे कहीं मारता? अरे मैं नहीं जानता। नाम मारूंगा। बता। मैं नहीं जानता सर, मैं सही कह रहा हूँ ना। रुक। नमस्ते सर। बलवान कहाँ है? बता। बता पहले। कहाँ है बलवान? अरे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। बता नहीं कर रहा हूँ सर। कहाँ है बलवान? नहीं बताएगा तू? बता सर। नहीं मालूम। बता वो। मैं सर नहीं आता सर। क्यों मारो? साफ 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 साफ। अपन मार दा। सब नहीं किया। हम लोग कुछ नहीं किया। किधर है? नहीं सर। मैं हाथ तोड़ता हूँ। सही कह रहा हूँ। मार दा। साफ। हम लोगों मार। अरे हमें क्यों मार रहा है सर? छोड़ दो। अरे साफ गरीब आदमी तो क्यों? अगर बलवान नहीं मिला तो तुम लोग की खैर नहीं है। चलो अम्मा। सर क्या हुआ? सर पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिला। कैसे ही पता लगा लेंगे सर? ए, तुम और तेरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये शर्म नहीं आती है क्या? भैया नीता जी का फोन है। हेलो। हाँ बोलिए नीता जी। वलायदम मैं बोल रहा हूँ, मैं ऊपर बात करके पानी जरूर ले आता हूँ। तुम अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढो और दिल पे मत लेना भाई। ठीक है। Thank you.
पेपर। के बैठे हो, तुमको देखने का बहुत मन कर रहा है, क्यों तुम ऐसा करते हो? एक फोन तो करो ना। अरे इतनी रात में आए हो, मम्मी डैडी भी सो रहे हैं, अगर उठ गए तो मुसीबत हो जाएगी। क्या देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है। भारत संविधान कहता है। बे चुप बैठ बे, बिना पानी के सब मर रहे हैं और ये हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारे राज्य में हमेशा पानी आना चाहिए। अभी आप 50 टीएमसी पानी तमिलनाडु को छोड़ो, इट्स माय ऑर्डर। बोलिए नेताजी। वलेदम, 8 तारीख को तेरे गांव में पानी आ जाएगा, दिल्ली आंध्र कर्नाटका में सबके पैर पकड़कर कैसे भी करके नहर में पानी ला दिया हूं, अब तो खुश हो जाना। जरूर आ जाएगा नेताजी, जरूर आ जाएगा यार, घबराओ मत। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी, रखता हूं। पानी आ जाएगा। सरकार कह रही है कि 8 तारीख को पानी आएगा। हमारे गांव की नहर में 8 तारीख को पानी आ जाएगा। ये अपहरण हुई मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को घर वापस लाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये पानी नहीं आ रहा है। मैं बहुत प्रयत्न करके मुख्यमंत्री से बार बार मिलके मेरी जनता तकलीफ ना उठाए, इस वजह से इतना तकलीफ उठाने के बाद ये पानी आ रहा है। सर मैंने सुना ये सबका कारण वो सत्या है, गांव में उसकी ही वजह से पानी आ रहा है। वो कैसे हो सकता है, अगर नहर में पानी आ रहा है तो ये हमारी पार्टी, हमारे नेताजी और मेरे लिए गर्व की बात है और ये हमारी जीत है। बलवान की जीत हुई, 8 तारीख को धारा में पानी आ जाएगा, ऐसा तमिलनाडु की सरकार का कहना है। छे। ए, अबे वो मेरी जिंदगी के बीच में आकर प्लान करके झंडा पकड़ के बिंदु डालकर रंगोली बनाकर उसमें गणपति को भी रखकर पूजा कर लिया बे, उसको टपकाना होगा उसको। नेताजी बोल रहे थे कि 8 तारीख को नहर में पानी आ जाएगा, मालूम पड़ा ना? हाँ? मेरी पत्नी और बेटी को लाकर छोड़ बे। क्या खोलने से कब कहां क्या आएगा ये मुझे मालूम है, तेरी पत्नी तेरी बेटी को कब कहां छोड़ना है ये भी मुझे मालूम है।
मूर्ख लड़का साला। छात्र तुमने गणित टीचर की गिनती जोड़ी थी ना, वो क्या हुआ? हाँ हुआ, तब तक तो आप बीच में आ गए। छोड़ छोड़ छोड़, भूल जा, बिना देखे जा रहा है। ए, इधर आ। मैं कौन हूँ मालूम है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। अध्यापक, दूध पीते बच्चों का अध्यापक? चुंग चंग चुंग चंग चुंग, अध्यापक हूँ। कुश्ती कर रहे बे। बलवान को जानते हो? जानता हूँ। बलवान को जानता है, इनको नहीं पहचानता है? ये उसका मामा है। अच्छा, मामा है? क्या रे? अध्यापक जी, अभी मैं पूछता हूँ। पूछो पूछो। देखिए, अबे ये कौन है सच में नहीं मालूम है? नहीं मालूम। इनको जाने बिना गांव में क्या कर रहा है? यही है बलवान के इकलौते मामा। क्या, बलवान का इकलौता मामा है? सिग्नल आ गया। क्या बे, बलवान का मामा होकर बीच रास्ते में दारू पीकर तमाशा कर रहा है? मार साल। अरे नहीं, नहीं मार। अरे छोड़ दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं हो। अरे मार। अरे तू मेरे बाप हो। तू मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मार। लूटे की जरूरत है बस। जो भी होगा अच्छा ही होगा भैया। अच्छा रखता हूँ। अध्यापक जी, हम चलें? छात्र, आज से दोनों की दोस्ती खत्म। इस जन्म में तुम मुझे मत मिलना और मैं भी तुझसे नहीं मिलूंगा। आज से हम दोनों अलग हो चुके हैं। नमस्ते सर, जैसा मैंने बोला था वैसा आपने कर दिया। वैसे मैं भी गांव की नहर में पानी आते ही मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को सुरक्षित लाके छोड़ दूंगा।
भगवान, ये क्या खून निकल रहा है, देखिए ना। वो सब कुछ नहीं है। अच्छी खबर है, बहुत खुश हूँ बेटा। कावेरी नदी में पानी लाने के लिए सब बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे बेटे ने कर दिखाया, कर दिखाया। बलवान जिंदाबाद, 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 बलवान जिंदाबाद। सच में तू बड़ा आदमी है। एक मंत्री होकर जो काम मैं नहीं कर सका, ये सरकार के सारे अधिकारी मिलकर जो काम वो नहीं कर सके, तू अकेला खड़ा होकर इतना बड़ा काम कर दिखाया। अपने दिल से मैं तुझे सलाम करता हूं। फोटोग्राफर बलवान का और मेरा साथ का एक बड़ा फोटो लेना। उधर देखो बलवान। देखा बे, राजनीतिक चाल, नहीं तो अगले इलेक्शन में इसको कोई वोट नहीं डालेगा। I love you बलवान। जहां जहां जरूरत की चीजों के लिए जनता तकलीफ उठा रही है, वहां सब छात्र और जवान लोग मिलकर जनता के हक के लिए लड़ेंगे, तो जीत निश्चित है।